डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा 15 जुलाई से हुआ चालू। सिरोही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को ORS घोल और जिंक की टैबलेट दी जाएगी। इस अभियान के दौरान शहर और गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भ्रमण कर लोगों को ORS और जिंक की गोलियां देकर स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि 15 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक आयोजित होने वाले डायरिया नियंत्रण पखवाड़े को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पखवाड़े के दौरान सभी चिकित्सा संस्थानों पर ORS घोल और जिंक टैबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। डिप्टी CMHO डॉक्टर महेश गौतम ने बताया कि डायरिया नियंत्रण पखवाड़े में घर घर जाकर देंगी ORS एनम। आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को ORS घोल और जिंक की गोलियां देंगी। खास तौर पर डायरिया से पीड़ित बच्चों को ORS घोल और जिंक की गोलियां देने के साथ ही उनके माता पिता को स्वच्छ पौष्टिक आहार एवं खाना खाने से पहले हाथ धोने के बारे में जागरूक किया जाएगा। डायरिया नियंत्रण पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष से छोटे बच्चों अभिभावकों को डायरिया की रोकथाम की जानकारी दी जाएगी। एनम आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माइक्रो प्लान बनाकर बच्चों को चिन्हित करेंगी और उनके घर ORS के पैकेट देकर उनके प्रयोग की जानकारी देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया।